वक्त मौजूद हैं PP154 पाकिस्तान तहरीक लबैक के जो टिकट होल्डर MP हैं, हमारे मैं मौजूद हैं राना फियाजुल हसन साहब, उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से वो अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं और हम ये भी बताते हैं कि उनकी कंपेन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक से खादम है हम, और इलेक्शन के हवाले से आपने सवाल किया तो बड़ा ये आजकल तो वैसे अजीब नहीं लगता कि क्या सवालात हैं। असल बात यह है कि ये गुलामाने मुस्तफ़ा का जो छोटा सा काफिला 1450 साल पहले नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले थे, तो ये कारवा बनते बनते अब लश्कर बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर इन सूदखोरों ने, इन बदमाशों ने, इन बत्ताखोरों ने, हर तरह के माफिया ने इस पे कब्जा जमाए रखा। मैं तो उस बात को सोचता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था दुनिया की दो रियासतें कलमे की बुनियाद पर बनी, पहली रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपके दस्तूर क्या होगा, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जवाब था कि जब कुरान मौजूद है। ये मैंने असल दस्तावेजात क्वेटा की लाइब्रेरी से खुद अपनी आंखों से पढ़ी कि जब कुरान मौजूद है तो दूसरे दस्तूर की क्या जरूरत है। तो हम तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, इस दीन को दुनिया पर तख्त से लाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसी हवाले से हमारी कंपेन है, यही हमारी दावत है। इस्लाम हमारा महवर मरकज है, पाकिस्तान की आवाम जो है उसके लिए हम निकले हुए हैं और यही हमारा मंशूर है, इस्लाम पाकिस्तान और यहाँ की जो है आवाम। सर ये बताएं कि आपकी जो सियासत है, सियासी करियर का आगाज आपने कहाँ से किया, वो जरा बताएं। जी बेसिकली मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मुझे एज ए हॉस्टल के प्रेसिडेंट से मेरा आगाज हुआ और फिर उसके बाद हम अपनी दुनिया में गुम हो गए। मैं वो तो सर बड़ा बदमाशी वाला क्राइटेरिया नहीं, ये तालिब इल्मी के ज़माने में जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बदमाशी वाला वो दौर जो हमारा दौर था 90 से 95 तक, वो वाकई ऐसा दौर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमने कभी जालिम का साथ नहीं दिया, हमेशा मजलूम के साथ ही बने, और यही तहरीक लबैक कहती है। मैं तो समझता हूँ कि तहरीक लबैक नहीं कहती, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कि हम मजलूम के साथ ही हैं और जालिम का हाथ पकड़ने वाले हैं, और हमें तो अल्लाह ने ये कुव्वत दी है। आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के अंदर कि अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है कि हमने जालिम को हाथ से भी पकड़ा है।